ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये राजयोगी आत्माएं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें स्वयं को संभालना ही नहीं, अपने संबंधों को भी संभालना है, बच्चों को भी, अपने घर को संभालना है, मातृशक्ति को आगे आना है। मातृशक्ति अपने घरों में आत्मिक दृष्टि के नाते बहुत बड़ा काम कर सकती है। अपने बच्चों को अपना बेटा ना देखें, बल्कि आत्मिक भाव से देखें कि बाबा ने मुझे निमित्त ये सेवा केंद्र दिया है। ये परिवार नहीं, सेवा केंद्र है। ये सब स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूं, मुझे संभालना है। तो यहां पर क्या दी जा रही है आपको? ये टीचर्स ट्रेनिंग मिल रही है कि आप अपने घर में बच्चों को कैसे संभालना है आपको। एक माँ अगर ठान ले कि परिवार अशांत है तो मुझे शांति का दान देना है, और जैसे वो आत्मानुभूति में आती है कि मैं तो आत्मा शांत स्वरूप हूं, और जैसे उसकी दृष्टि बदल जाती है कि मेरे पति नहीं है, ये मेरे बच्चे नहीं है, ये मेरा इनके ऊपर अधिकार है, मैं माँ हूं, मेरा कहना क्यों नहीं मानते हैं। जब तक मोह के वश में रहेंगे तब तक वो अधीन आप में नहीं हो सकते। अच्छा, कोई कहना नहीं मानता है, अब ये कहना छोड़ दे भैया, मेरे घर में तो कोई किसी का सुनता ही नहीं। अब परिवर्तन करना है तो आपको परिवर्तन करना है। एक मां अगर ठान ले कि मुझे शांत रहना है तो उस परिवार को अशांत कोई नहीं कर सकता है। परिवार में शांति को जोड़ सकती, वही जोड़ सकती है, और कोई नहीं। ठीक है माताएं, ये अभ्यास करें परिवार में। रोज सवेरे आपको नया अवतार होना चाहिए कि आज के दिन मेरा अवतरण हुआ है। सवेरे मैंने बताया आपको, आप अंदर देखें कि मम्मी का लोग बच्चे मम्मी मम्मी देख रहे हैं, लेकिन मैं मम्मी नहीं, मैं तो फरिश्ता हूं, और आज के दिन एक दिन के लिए आई हूं और मुझे तो फिर वापस जाना है। एक दिन के लिए मुझे इन सबको फरिश्ता देखना है, फरिश्ता बनाना है, इनको पंख लगाना है। ये बाबा ने ड्यूटी देकर मुझे भेजा है। मैं मास्टर गॉड हूं, मैं गॉडेस हूं, मैं देवी हूं, मुझे देना है, मुझे लेना नहीं है। कोई मुझे एहसान करे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे प्यार से बोले, कोई मुझे मेरी महिमा करे, मेरी तारीफ करे, तब मैं खुश हूं। नहीं, मुझे तो देना है, मुझे तो मालूम है ना क्या दुनिया कैसी है, मुझे इनको ही फरिश्ता बनाना है, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी। तो आज से प्रयोग करना शुरू कर दें, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। जिनको भी पवित्रता के विषय में कठिनाई होती है, कैसी भी कठिनाई है, वो इस बात को अभ्यास में जरूर लाएं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। और इसको बार बार दोहराएं, याद रखें। सवेरे से एक बार संकल्प लें, स्वमान में आ जाएं, और इस स्वमान को एक बार सवेरे अभ्यास करें। ऐसे हाथ करें, वरदानी हाथ, वो वाला नहीं, कांग्रेस वाला नहीं, ये वाला वरदानी मुद्रा, ऐसे। मैं देवी हूं, बोलिए। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। शिव बाबा की शक्तियां मुझ पर उतर रही हैं, मेरे रोम रोम शरीर के एक एक अंग शक्तिशाली बन रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मुझे सबको पवित्र बनाना है, प्रकृति को भी पावन बनाना है। मैं धरती मां भी हूं, धारण करने वाली। ये अभ्यास शुरू में उठते ही, बिस्तर से उतरते ही,
अगर चारों तरफ खड़े होकर के ये कर लें, करेंगे आप सब करेंगे, यहीं पर डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, डिमॉन्स्ट्रेशन दे दें, सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। इस मुद्रा में खड़े हो जाएं, ये हाथ वरदानी मुद्रा, एक हाथ दूसरा हाथ ऐसे देने की मुद्रा, लक्ष्मी को देखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक, हाथ नीचे, हाँ ये हाथ जैसे कि दे रहे हैं, हाँ। स्वयं को देखें, मस्तक में देखें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे हाथों से मेरे चारों ओर के ऊर्जा से, मेरे चारों ओर के ऊर्जा से पवित्रता का प्रकाश आज दूर दूर तक निकल रहा है, दूर दूर तक निकल रहा है। मेरे एक शिव बाबा पवित्रता के सागर से पवित्रता का प्रकाश का ऊर्जा का शक्ति का मुझ पर अवतरण हो रहा है। मैं शिव शक्ति धीरे धीरे स्वयं को हल्का सा मुड़ जाए, पहले बाईं ओर मुड़े, बाईं ओर मुड़ जाए, बाईं ओर मुड़े, ऐसा सामने दृश्य देखें कि मेरे से प्रकाश निकलकर लेजर रेज जैसे चारों दिशाओं में फैल रही है, जैसे निर्मल वातावरण को कर रही है, सबको पावन बना रही है, जैसे सागर भी पावन हो चला है, पर्वत सागर धरती नदियां वृक्ष सब बदल रहे हैं। मुड़ जाएं अभी, फिर से मुड़ लें, वापस आ जाएं सामने, ऐसे करें, ऐसे कर लें एक बार, फिर दाहिनी साइड मुड़ जाएं, वही रूप वही देखें, ये कर लें, सामने आ जाएं। देखें अपना मुखमंडल, सर्व प्राप्तियों से मैं देवी हूं, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं, मैं जगदम्बा हूं, जगत माता हूं, मैं मास्टर जगत पिता हूं, मैं इस सृष्टि का पूर्वज और पूज्य हूं, ये अभ्यास बहुत अच्छे है, इस अभ्यास को करते रहें, बैठ जाएं, थोड़ी सी अभ्यास और कर लेते हैं,
इसी श्रेणी में। ये अभ्यास हर एक को करना है, सवेरे 5 बार कर लें। अगर परिवार में कोई आपको बाहर वाले अज्ञानी ना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि इसका विचित्र रूप भी कई कई देखते हैं, बहुत नशा हो जाता है परिवार में, आप ऐसे खड़ी हो जाएंगे ऐसा देखने शुरू कर देंगे और परिवार के बुरा ले कहेंगे हमारी मम्मी को क्या हो गया है, पिताजी को हमारे क्या हो गया है, तो कहीं विपरीत स्थिति भी हो सकती है। इसलिए इस चीज को बड़े सार्थक रूप से, बड़े ढंग से ऐसे करना है जो आपके पुरुषार्थ में ये बाधा न पड़े, ठीक है। ये अभ्यास करें और दिन भर में जितनी बार ये कर लेंगे अभ्यास, अगर न कोई देखता है तो कोई बात नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, आप क्या है अंदर अंदर कर लीजिए, उसमें क्या है। लेकिन ये स्वमान को बार बार करें, एक बार में 5 बार और दिन भर में कितनी बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, जितनी बार हो सके, कम से कम 5 बार करना है, एक बार में 5 और दिन भर में 5 बार। क्या करना है, एक स्वमान ले ले दिन भर के लिए, दिन भर के लिए एक स्वमान ले ले, और अच्छा हो कि बाबा की मुरली को आप सामने रख ले, मुरली से रिलेटेड बना ले दिनचर्या एक हफ्ते के लिए। जैसे अभी पिछले हफ्ते में संडे को मुरली थी, उस संडे में यही था, मैं ज्ञान स्वरूप भावना युक्त आत्मा हूं और मैं क्या स्नेह संपन्न योगी आत्मा हूं, मैं लवलीन आत्मा हूं, मैं कर्मातीत आत्मा हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी हूं। इनमें एक एक ऊर्जा भरा है, स्वमान की शक्ति बहुत गजब की है। जितनी बार आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, कोई बता सकेगा आप में से क्या क्या होगा, इसकी लिस्ट निकालें। जितनी बार आप स्वमान का अभ्यास करेंगे, जो दिन भर में आप कहते हैं क्या करूं भैया मेरे से चला नहीं जाता है, क्या करूं भैया घुटने में बड़ा दर्द होता है, क्या करूंगा भैया घर में अशांति मची रहती है, ये जितने भी कमजोरी के या शिकायत के जितने भी हैं वो सब आपके बंद हो जाएंगे इस अभ्यास में रहने से कि मैं शिव शक्ति हूं। भले ही नशा शुरू में नहीं होगा, शुरू में लगेगा पता नहीं मैं शिव शक्ति कह तो रही हूं, मेरे अंदर तो शक्ति है ही नहीं, आपको लगेगा, फीलिंग आएगी, लेकिन उसको दृढ़ विश्वास के साथ कि बाबा ने कहा इस अभ्यास को आप करेंगे बहुत शक्ति आ जाएगी, पावरफुल, ठीक है। तो ये अभ्यास कर लें, दिन भर में 25 बार कम से कम होना चाहिए, एक बार में 5 और दिन भर में 5 बार, 25 बार। ओम शांति।